और इस वक्त एक और बड़ी खबर, कानपुर मेयर के खिलाफ गोपनीयता भंग करने पर एफआईआर दर्ज हो गई है। मेयर प्रमिला पांडे के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है, ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। मेयर प्रमिला पांडे खुद हमारे साथ ऑनलाइन पर जुड़ गई हैं। स्वागत है प्रमिला जी आपका, क्या आरोप लग गए आप पर, क्यों एफआईआर दर्ज हो गई? पता नहीं किसने किसे डाला, मैडम मुझे क्या पता, मैं तो वोट डालने गई थी, मेरा पहला वोट, दूसरा वोट है, हमें क्या पता अब किसने डाला, मुझे क्या पता। नहीं, डीएम साहब को ट्वीट करके इस बात की जानकारी दे रहे हैं कि आपने गोपनीयता भंग की है। नहीं, अब हमने वहाँ वोट डाला था, किसने उसको किया हमें क्या पता, किसी ने खींचा अब हमें क्या पता। अब किसी ने डाल रहेगा तो हम उसको क्या कर सकते हैं। नहीं नहीं प्रमिला जी, वोटिंग करते हुए आपने फोटो शेयर की है, क्या आपको इस बात की जानकारी नहीं है कि ये कानून के खिलाफ है? नहीं, मैं तो अपने से वोट निकालने के चक्कर में, मुझे क्या पता कि कहाँ किसने क्या किया, अब आपके द्वारा मुझे पता चल रहा, मैं उसकी जानकारी करूंगी अभी। अब जब आपके खिलाफ एफआईआर हो गई है तो क्या होगा आपका अगला कदम? अब देखेंगे कि हुआ, मैं अब मुझे पता ही नहीं किसने खींचा किसने जाना, तुम्हें क्या पता। प्रमिला जी, आप ही के ट्विटर हैंडल से शेयर हुई है तस्वीर, अब किसी ने किया होगा मैडम, अभी मैं पता करूंगी आपके ट्विटर हैंडल से। प्रमिला जी चलिए ठीक है, तस्वीर सामने आ गई और आप ये कह रही हैं कि आपको जानकारी नहीं है, लेकिन ये सब कुछ हुआ इस पर खेद जता रही हैं आप? खेद है आपको इस तरीके की घटना आई, आप पर एफआईआर दर्ज हुई? अब मैंने मुझे नहीं पता तो मैं पता करूंगी ना, वो किसी खींच के डाला होगा तो पता करूंगी जो होगा। तो प्रमिला जी देखिए, आप एक पार्टी विशेष को बटन दबाती हुई दिख रही हैं, आपके बराबर में कौन तस्वीर ले रहा था, ये इस बात की जानकारी क्यों नहीं है आपको? अरे आप वहाँ देख रहे थे, बटन देख रहे थे, मैं ये देख रहे थे कौन फोटो खींच रहा है। नहीं प्रमिला जी देखिए, इससे संदेश क्या जाएगा और आरोपों में आप ही गिरेंगी, मुश्किलें तो आप ही की बढ़ गई। अरे अब बढ़ गई तो उसको देखेंगे आप, उसे पीठ बिछा के भागेंगे थोड़ो, नहीं देखेंगे तो होगा। प्रमिला जी देखिए, आप हमेशा मुखर रहती हैं, कानपुर के मुद्दे उठाती हैं और महिला शक्ति को हमेशा से बढ़ावा देती हैं, आपको नहीं लगता कि संदेश बहुत गलत जा रहा है? नहीं गलत क्या है, किसी ने डाल दिया तो वो मुझे पता करूंगी ना, मैं तो आपसे यही बात कर रही हूँ ना। अब इसमें क्या है, किसी ने फोटो खींच लिया, अब किसी ने डाल दिया हमारे उस पर डाल दिया, क्या कहते हैं हमारे फेसबुक पर, मैं पता करूंगी अभी अभी, मैं पहले वोट डालू, मैं इसको पता करूँ, अब एफआईआर कर दूँ उसको, देखूंगी। देखिए वो वोट करना आपका अधिकार है, लेकिन लेकिन इस तरीके की तस्वीर आना फिर सवाल खड़े होंगे। मैडम देखिए, मैं समझ रही हूँ आप कह रही हैं कि आपको नहीं पता है, आपको नहीं पता है, लेकिन जो जानकारी आ रही है उसके मुताबिक आप ही के साथ एक गनर है जिन्होंने फोटो लिया है। लेकिन मैं पता, मुझे नहीं पता, मैं बात करूंगी, मैं अपना शाम को देखूंगी, 4 बजे 5 बजे जब वोटिंग बंद हो जाएगी तब मैं उसके बाद देखेंगी आप। अरे अब जाऊंगी मैं, वोट निकालू, वोट डालू, मैं इस पर करूँ, अब जो जिसने डाला होगा फिर मैं पता करूंगी मैडम। कानपुर इतना बड़ा शहर है, देखिए 10 सीटें हैं वहां पर विधानसभा की, और इतनी बड़ी गलती हो जाना, आप पर एफआईआर हो जाना, आपको नहीं लगता संदेश बहुत गलत जा रहा है प्रमिला जी आपके हवाले से? किसी ने डाल दिया तो मैं क्या कर सकती हूँ मैडम, मैं उसको देखूंगी, अब मैं अगर इस पर देखूंगी तो हम अपने और काम न देख पाऊंगी ना। लेकिन इस पर भी तो आपको संज्ञान लेना होगा ना प्रमिला जी, क्योंकि आप आरोप में गिर रही हैं। अरे मैं बिल्कुल लूंगी संज्ञान, क्यों नहीं लूंगी संज्ञान, तो कब तक ले लेंगी प्रमिला जी आप संज्ञान? लेकर आपको फोन कर दूंगी। चलिए, आपके आपके गनर ने तस्वीर ली है, ऐसी जानकारी मिल रही है, तो उनसे कुछ बातचीत होगी, इस पर कुछ खेद जताएंगी? नहीं, मैं जाके भी पता करके मैं कर दूंगा आपको, मैं बताऊंगी, अभी मैं तो जाऊँ वोट डलवाऊ पहले। ठीक है, अभी अभी आप देखिए, हम तस्वीरें भी दिखा रहे हैं आपके, आप बहुत उत्साहित होकर मतदान केंद्र के अंदर जा रही हैं और अपने मत का इस्तेमाल कर रही हैं, लेकिन इस बीच एक तस्वीर ने देखिए आपके लिए मुश्किलें खड़ी कर दी जो कि नहीं आनी चाहिए थी सामने प्रमिला जी। चलिए देखूंगी, मैं देख के फिर आपको बताऊंगी। चलिए बहुत शुक्रिया आपका प्रमिला जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। तो देखिए, ये मेयर हैं और हमेशा अपनी जो उनका अंदाज है उसके लिए वो चर्चाओं में रहती हैं और लगातार अपने अपने उत्साह के लिए वो जानी जाती हैं, और वही उत्साह उनको देखने को मिल रहा है।